दिल्ली में रोड सेफ्टी मामलों को लेकर बने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और परिवहन सचिव राजेश यादव की बैठक हुई। इस बैठक में एक्सीडेंट कम करने के उपायों और साथ ही राजस्थान की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में चर्चाएं हुई। इस मौके पर गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में रोड एक्सीडेंट और साथ ही उससे होने वाली मौतों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो की जा रही है। इस मामले में स्टेट सेफ्टी काउंसलिंग बनाने और साथ ही इंटर डिपार्टमेंटल लीड एजेंसी बनाने का काम अब पूरा हो चुका है और लगातार इन कमेटियों की बैठक हो रही है। बैठक में ये भी निर्देश दिया गया कि एक्सीडेंट के मामलों में केवल पुलिस विभाग की ओर से मिले आंकड़े ही काफी नहीं है, इसमें बिजली और साथ ही पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों को भी शामिल किया जाना आवश्यक है। आज ये जो बैठक हुई थी, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक समिति है जिसमें तीन मेंबर ये समिति है, तो तीनों मेंबर्स में से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, एक सीआरआरआई की रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तीन जनों की ये कमेटी थी। इसमें ये एक एक राज्य को बुला करके उसमें चीफ सेक्रेटरी और उनके ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और अन्य पीडब्ल्यूडी मेडिकल और अन्य विभागों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी के कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, उन डायरेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए कि उनकी कितनी अनुपालना हो रही है, उसके लिए समिति बनाई गई है। तो आज राजस्थान का दिन था और काफ़ी विस्तृत मीटिंग हुई।